क्योंकि मैं 1500 थाना ओपी मिलाकर के बिहार में है, मैं कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह कहीं भी जा सकता हूं। स्टेशन डायरी को पेंडिंग नहीं रखें, दो दिन तीन दिन कहीं पकड़े गए कोई गलत काम करते किसी निर्दोष आदमी पर हाथ नहीं उठाइए। थाना में जो जाए इज्जत से बात करिए, मीडिया के लोगों के साथ बहुत शालीनता से बात करिए, जनप्रतिनिधि मुखिया हो, वार्ड का मेंबर हो, सरपंच हो या वार्ड पार्षद हो या विधायक हो, वो उसका सम्मान करिए। थाना में जाता है तो गलत पैरवी करता है मत सुनिए, किसी के दबाव में कोई गलत काम नहीं करिए, लेकिन इज्जत पूरा देना है। हमारा थाना प्रभारी हो या हमारा डीएसपी हो, हमारा एसपी हो, कोई भी हो, जनता के द्वारा चुना गया एक मुखिया भी सम्मान करने लायक है, उससे बड़ा है। हम उसके सेवक हैं, हम उसके मालिक नहीं है। एटीट्यूड में परिवर्तन करना होगा। शासन करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। अगर मुझे पता चल गया किसी गरीब को, किसी शोषित को, अकलियत को, दलित को, किसी कमजोर आदमी को जिसके पास पैसा नहीं, पैरवी नहीं, और किसी थाना में किसी भी पदाधिकारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, वो मेरे लिए बहुत ही गंभीर अपराध है। साक्ष्य और सबूत हमको मिल गया, हमारी तक शिकायत पहुंच गई, तो उसको सोच लेना चाहिए कि उनके साथ क्या व्यवहार होगा। पुलिस की इमेज खराब होने का, छवि खराब होने का एक मेन कारण है हमको अपनी जबान पर काबू नहीं है। हम आम आदमी को आदमी समझते ही नहीं, हम गरीब आदमी को गरीब आदमी समझते ही नहीं।